क्या आपके अलावा किसी और लोगों को भी बुलाया गया, ऐसी कोई जानकारी आपके करीबी लोग कोई? आपसे आपसे क्या पूछताछ हुई? अभी कुछ नहीं, अभी आ ही रहे, जा ही रहे। ठीक, ओके ओके ओके। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ राजन कुमार। बने हुए न्यूज़ पेयर के साथ। नीट पेपर लीक के बाद देखे बिहार में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। इस छापेमारी में लगातार ईओयू टीम को सफलता भी मिल रही है। तो वही आपको बता दें कि ईओयू टीम ने पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था। नोटिस भेजने के बाद कल आर्थिक अपराध इकाई के कार्यालय में एक भी जो पास किए हुए कैंडिडेट थे नहीं पहुंचे। तो वही अगर बात कर लिया जाए नीट पेपर लीक की धांधली को, तो जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, जो एक के बाद एक तार जुड़ता हुआ जो सामने आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि छोटी मछलियों को तो पुलिस पकड़ने में कामयाब होती है, लेकिन बड़े मगरमच्छ का क्या होगा। जिस तरीके से नीट का पेपर लीक होता परीक्षा के एक दिन बाद, ये हवा की तरह फैलता है। उसके बाद कोर्ट का आदेश आता है। आदेश आने के बाद जिस तरीके से परीक्षा को रद्द नहीं किया जाता, अब एक के बाद एक पारदर्शिता को सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, आर्थिक अपराध इकाई की बाहर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, मीडिया को हुजूम भी आप देख सकते हैं। भागती हुई दौड़ती हुई एक छात्रा पहुँची है जो नीट पास की है। उनसे अंदर बुलाया गया पूछताछ के लिए, जाँच के लिए। उन्होंने भी बोला कि सहयोग हम लोग करेंगे, हर सहयोग करने के लिए हम लोग पुलिस के साथ हैं। जो भी पूछा जाएगा आर्थिक अपराध इकाई को, हम लोग जो सच्चाई है उसका जवाब देंगे। एक लड़की पहुंची थी, ये पहुंचने के बाद उन्होंने उनसे बात हुई, उन्होंने साफ तौर से कहा अभी तक ऐसा कुछ पूछताछ हुआ नहीं है। लेकिन जिस तरीके से रडार पर जो भी लोग हैं, जो पेपर लीक जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, इससे सीएम नीतीश कुमार भी ऐलान कर दिए हैं कि आने वाले भविष्य में परीक्षाओं पर किस तरीके से लगेगा वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से नीट पेपर लीक जो हुआ है, इतने बड़ी परीक्षाओं का पेपर अगर लीक हो जाती है, तो जाहिर सी बात है कि पढ़ने लिखने वाले अभ्यर्थियों का भरोसा तक उठ जाता है। अब आर्थिक अपराध इकाई पर सभी की नज़रें टिकी हुई है। एक के बाद एक छात्राएं पहुंची, के पास नोटिस गया है, वो लोग हालांकि नहीं पहुंचे, लेकिन एक छात्रा जो पहुंची वो क्या कुछ करे, जरा वो सुनिए। क्या आपके अलावा किसी और लोगों को भी बुलाया गया, ऐसी कोई जानकारी आपके करीबी लोग कोई? आपसे क्या पूछताछ हुई? अभी कुछ नहीं, जा रही है, अभी आ ही रहे, जा ही रहे। ठीक, ओके ओके ओके।